हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फोजी। तो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक तो पहुँच चुके थे, तो आज हम लोग इसके आगे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, देख सकते कि यहाँ पे पेड़ पत्थर हवा मुड़ रहा था, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। तो इसके आगे मैं चलता हूँ बिना किसी देरी के। और गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नहीं चाहते सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल को ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जाए। अरे भाई, क्या अरे भाई, क्या क्या तुम मेरे को मारेगा? आ जा तेरे को घुसन मार के तेरे को छोड़ूंगा नहीं। चलो भाई, कहाँ चल गया? ओ भाई, फंस गया भाई। ओपी भाई फंस गया था, वो कतई फंस गया था। मैंने आर पार कर दिया था भाई, मेरा मुक्को से लड़ोगे तुम लोग? आ जाओ दोनों को कतई यार मार मार के धजिया बना दूंगा तुम लोग को। आ जाओ भाई, बहुत सारे आ गए भाई। ऐसे नहीं होना चाहिए था भाई, मर जा एक भाई। स्लो मोशन हर टाइम नहीं देना चाहिए था मेरे को। स्लो मोशन थोड़ा सा ख़राब लगा भाई। लास्ट में जो बंदा मरता उसमें अगर स्लो मोशन दिया जाता तो अच्छा रहता। ठीक है भाई, मर जाओ। चलो अच्छा है भाई, मेरे को ये एक समझ में नहीं आता कि वो लोग अपने अभी तक मेरे को मार क्यों नहीं रहे हैं। मरो, इसको मारते हैं। अरे भाई, क्या कॉम्बो स्टाइल ठीक है, क्या जंप दिया यार, जंप मुक्का मारता है। चलो ठीक है, आ जाओ भाई। पैर से मारने का ऑप्शन देता भाई, कॉम्बोज देना चाहिए था कि धीरे धीरे कॉम्बोज अनलॉक होता तो क्या मज़ा आ जाता भाई। मेरे को अभी तक वेपन नहीं मिल रहा है भाई, इसके पास वेपन है, मेरे को शायद से मिल जाएगा। अरे भाई, मेरे को डैमेज लगता अभी भाई, मत मार भाई, मेरे को लग गया। मर जा भाई, कितना डैमेज लगा भाई। एनिमीज का भी डैमेज बार दिखाना चाहिए था, एनिमीज का भी डैमेज बार दिखाता तो अच्छा रहता। चलो भाई, लग जाओ, मर जाओ। कहते भाई मेरे को इससे मिल जाना चाहिए। हाँ मिल गया, चलो स्लो मोशन भी हो गया, ये रहा, मिल गया। चलो मेरे को रेस्ट करने जाना चाहिए यहाँ पर, और हम लोग का टाइमिंग भी बहुत कम है। तो टाइम देख सकते हो गाइस, मैं जब मतलब बैठ रहा हूँ तो भाई क्या स्पीड से टाइम बीत रहा है। ओ भाई, मेरे को पूरा हेल्थ रिकवर करना है भाई, रिकवर हो जाए। चलो फुल्ली रिकवर हो गया। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, मेरे को जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा ये मैच, नहीं तो ये गेम ख़त्म ही हो जाएगा। 17 मिनट तो बाकी ही है, तो मेरे को दौड़ दौड़ के जाना चाहिए भाई। ये क्या कर रहा है भाई, मेरे को हैंड से दौड़ना है स्पीड, उसके बाद ही मैं देखूँगा। आ जाओ भाई, अरे भाई सामने चल, इसको ले और जल्दी से मारते इसको। चलो भाई, ख़त्म हो जा, तू भी आ जा, तेरे को भी ख़त्म करता हूँ भाई। मेन बॉस है कि नहीं मेरे को नहीं पता, शायद से मेन बॉस हो सकता है। इसको लो और स्पीड से दौड़ के जाओ। चलो इसको तो पंच से ही मार के मैं ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मेरे को वेपन बचा कर रखना है। अगर मेन बॉस आ जाता है या हम लोग को स्क्वाड से फाइट हो जाता, मतलब चार आदमी से या पाँच आदमी से फाइट हो जाता, तब वो बहुत काम आएगा। चलो ये मर गया, और एक आ भी गया। चलो इसको भी मारते जल्दी से, मर जा भाई जल्दी से। चलो ठीक है, ये मारने वाला, ये भाई ये वाला मेरे को सबसे मस्त लगता है जब उड़ के मारता है। और ये रहा, अब चाहिए था मेरे को ज़रूरत भाई। आ जा, तेरे पास डंडा है, मेरे पास भी डंडा है, गंडासा सा मार मार के ठीक कर दूंगा। तुमने भी डंडा फेंका, मेरे पास भी है, कांटा ही कांटा है डंडा में, और मेरा ख़त्म भी हो गया यार, इसको लेना पड़ेगा। चलो आ गया। ओ यार, क्या डंडा ही है भाई, मेरे को गन चाहिए था, गन होता तब ना। और हाँ, इसमें गन नहीं है, मेरे को पता है, पूरी पूरा का पूरा में भी गन नहीं है। मेरे को गन चाहिए था, लेकिन गन होता तो अच्छा रहता, थोड़ा सा गन कॉम्बेट में मज़ा आ जाता। लेकिन चलो ख़त्म है, इसको भी ले लेते हैं और इसको हैंड में कर देते हैं। और वहाँ पर और एक बार है, लेकिन मेरा हेल्थ रिकवर है तो मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं है उसका। तो चलते आगे बढ़ते हैं, मेरे को जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा ये वाला। चलो हो गया, लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का स्क्वाड वहाँ कैद हो। एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमक रहा है, ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल, एस्ट्रे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी। पर सबसे जरूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि, लेफ्टिनेंट सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया, उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था। सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया, रवि ने कहा। रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं।
बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि निकलो यहाँ से। लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं पर देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह उस जलते टेंट से बच निकले। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कानों में गूंज रहे थे। भाई क्या कटसीन था, अमेजिंग कटसीन भाई, मजा आ गया। कटसीन मस्त था भाई, आगे क्यों नहीं जा रहा भाई, आगे चल जा भाई। कटसीन मस्त, योर प्रोग्रेस हैज बीन सेव्ड एट कैंप साइट, कैंप साइट। चलो ठीक है, मेरे को 16 मिनट बाकी है और मैच हम लोग कंप्लीट करना है और मैं जल्दी से इन लोगों को मार लेता हूँ। पहले तो उधर भाई बंदे, मैं इधर उनके बंदे को मार रहा हूँ और उधर वो बंदे घूम रहे हैं, आगे देख सकते हैं आप लोग। उधर उधर बंदे घूमे जा रहे हैं और मैं इधर मार दे जा रहा हूँ इन लोगों को। भाई अटक क्यों रहा है भाई, आगे चल जा। चलो अपना भी हथियार है, उन लोगों के पास खाली हथियार थोड़ी ना है, मेरे पास भी हथियार है। चलो भाई मेरे को मारोगे, रुको अभी बताता हूँ भाई। लेकिन ये होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए था, लेकिन हार्ड, हाँ हाँ भाई मैंने वही बोला था, हार्ड होना चाहिए था और अब ये हार्ड हो गया। चलो ठीक है, जल्दी से मर जा भाई, मेरे को इसका वेपन चाहिए। मर जा भाई, मेरे को वेपन चाहिए तेरा। चलो चलो पिकअप करो भाई। पिकअप क्यों नहीं किया यार, पिकअप कर ले। पिकअप हो गया भाई, क्या डैमेज है उन लोगों का भाई, मैं मारने वाला हूँ शायद से भाई। जल्दी से ख़त्म हो जा भाई, मेरे को लगता है कि मैं मर जाऊँगा यहीं पर। चलो अच्छा, इनको मारो और मेरे को और एक डंडा मिल गया, तो चलो मैं शायद से बच सकता हूँ यहाँ से। भाई मेरे को मत मारना, चलो मर गया भाई। इधर पिकअप कर, चलो ये भी गया और मेरा हेल्थ भाई बहुत कम है, बहुत कम है मेरा हेल्थ। चलो और एक डंडा भी मिल गया, चलो ख़त्म भी हो गया। पिकअप कर ले इसको, चलो ठीक है। दो डंडा मैं रख सकता हूँ मतलब इजीली, और मैं रेस्ट कर लेता हूँ तब तक जब तक मेरा हेल्थ फुल नहीं हो जाता, तो मेरे को हेल्थ बचा के रखना होगा अपना। चलो ठीक है। अरे भाई चल ले, बहुत बहुत टाइम वेस्ट होता है भाई हेल्थ फुल करने में। उसमें देख सकते हम लोग को जो 14 टाइमर है 14 मिनट का, वो कितना स्पीड से टाइम पास हो रहा है, मतलब टाइम कितना स्पीड से पास हो रहा है। हेल्थ रिकवर हो गया हम लोगों का, चलो चलते आगे और हम लोगों को जाना है हेल्थ इज। चलो भाई यहाँ पर फाइट हो गया है तो हम लोग इनसे फाइट कर लेते हैं, और मेरे पास दो दो वेपन है तो मैं इजीली से फाइट कर सकता हूँ। तो पहला वेपन मैं लेता हूँ, आ जा भाई तुमको भी मार लेता हूँ। और भाई यहाँ पर और एक वेपन है तो मतलब उसके पास भी वेपन है, तो मैं ये वेपन को खर्च कर सकता हूँ मतलब अपना। चलो भाई दो दो वेपन है उन लोगों के पास भाई, मैं मरने वाला हूँ। मेरा वेपन भी चला गया, इसके पास वेपन जल्दी से लेना पड़ेगा। और वो खड़ा क्यों है भाई, मार मेरे को भाई, मेरे को इसको नहीं मारना है, उसको मारना है भाई। क्या यार मेरे को उसको वेपन मिल जाता, चलो इसको पूरा ख़त्म कर देते पहले तो। नहीं भाई मैं बचा, बहुत गजब टाइप का बचा हूँ। और भाई उसका वेपन पहले से ले ले, अब बता तुम दोनों को बताता हूँ अभी। इसमें टारगेट सिस्टम है लेकिन ऑटोमेटिक टारगेट ले लेता है, मेरे को टारगेट चेंज करने का ऑप्शन देना चाहिए था। चलो हो गया, दोनों ख़त्म है और एक बचा हुआ है। चलो ये भी ख़त्म हो जाएगा, इससे मेरे को पूरा मेरा वेपन भी डैमेज हो जाएगा शायद से। और आ जाए, और आओ, लोड आउट इज़ फुल। ठीक है भाई लोड आउट फुल है तो क्या हो गया, अभी मैं ख़त्म कर देता हूँ लोड आउट को अपना। चलो ये भी ख़त्म हो जाएगा, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। और मेरे पास दो दो वेपन वहाँ पर गिरे हुए थे भाई, गिरे होना चाहिए वहाँ पर भाई। कितना फाइट होगा यहाँ पे। चलो और एक वेपन मिल गया मेरे को भाई, वो गायब ना हो जाए भाई, रिस्पॉन टाइम ख़त्म भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता है। यहाँ पर उठा लेते, अरे भाई इसको ले ले। चलो ले लिया, दोनों का हेल्थ कम है यार। चलो ये भी मर गया, आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से, और हम लोग को जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा। मेरे को और एक रिकवर पॉइंट मतलब सेव पॉइंट लेना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ है नहीं है भाई, कुछ नहीं है। चलो आगे चलते हैं, चेकआउट चेक पॉइंट रीच्ड, चेक पॉइंट हम लोग पहुँच चुके हैं।